अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग, क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा है और आज वीकेंड है, तो वीकेंड में दो दिन वैसे भी जनाब का छुट्टी रहता है। तो मैं सोच रही थी कि वीकेंड में भी ना ऐसे ही बहुत अच्छा सा मौसम होना हो तो कितना अच्छा होगा। और आज गॉड ऑफ ग्रेस बहुत अच्छा मौसम है, तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। शॉपिंग में जाएंगे, कुछ ग्रोसरी की चीज़ें खरीदेंगे और कुछ होम एसेंशियल कुछ चीज़ें हैं मेरी पर्सनल जो मुझे ख़रीदनी है। तो हम लोग जा रहे हैं सब मार्केट, और ये देखिए बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है। वैसे तो लोग नहीं घूम रहे क्योंकि आज ही वीकेंड है, आज फ्राइडे नाइट है, तो बहुत शांत सा एकदम रोड है। आप देखिए किस तरह से एकदम शांत है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जो लोग भी दिखाई दे रहे हैं वो गाड़ी में हो रहे हैं, गाड़ी में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ऐसे पैदल चलते ही जाएंगे, थोड़ी दूर पैदल चलेंगे फिर उसके बाद टैक्सी लेंगे। तो नेस्टो में सबसे अच्छा होता है शॉपिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रोसरी भी मिल जाता है और बाकी अदर चीज़ें भी मिल जाती है। अगर ऐसे भी कोई और जगह पर जाते हैं जैसे सुपरमार्केट हाइपर मार्केट में, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको बस वो लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। ये है पार्क एरिया और यहाँ तो बहुत खूबसूरती से ये स्प्रिंकल हो रहे हैं, पानी छींटे जा रहे हैं घास पर, पेड़ों पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी रास्ते से होके हम लोग जाएंगे, क्योंकि इधर पास पे जो रास्ता आपको दिख रहा है वहाँ पे गाड़ियाँ हाई स्पीड में चल रही है, इसलिए हम लोग ये वाला रास्ता चूज किए हैं। और यहाँ से निकलेंगे मेन रोड पर, और मेन रोड को क्रॉस करते हुए वहाँ पर पकड़ेंगे टैक्सी। वेल गाइज, तो टैक्सी हमारी यहाँ पे हमें मिल गई है, अब हम टैक्सी में बैठकर सीधा निकल रहे हैं नेस्टो के लिए। फिर वहाँ पहुँच के आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए ये थोड़ा सा बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे दुबई में ना, नाइट बहुत अच्छा लगता है। डे तो उतना खास नहीं लगता, बट नाइट बहुत अच्छा लगता है। नाइट में आपको मतलब डे में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना नाइट में आएगा, तो मतलब दुबई नाइट इज़ ऑसम ऑसम। हमारा 5 मिनट का राइड टैक्सी राइड और हम पहुंच चुके हैं नेस्टो में। सो लैंड कर चुके हैं हम लोग पूरी फैमिली टीम के साथ। वैसे तो मैंने कुछ लिस्ट नहीं बनाया, मैं हमेशा ऐसे बिना लिस्ट के आती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने 2-3 दिन पहले एक लिस्ट बनाया था जो मैंने जनाब को दिया था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो मे भी अगर उनके पास हो तो लिस्ट निकाल के मैं अभी शुरू करूँगी शॉपिंग। तो उसमें से मुझे एक चीज़ याद था कि मुझे प्लेट लेनी है, तो प्लेट में यहाँ पे देख रही हूँ कि मुझे इस टाइप के डिज़ाइन के प्लेट दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लेना है, बहुत सिंपल से लेना है, वाइट कलर में लेना है और फाइबर का नहीं लेना है, बोन चाइना का लेना है। तो मैं उस टाइप का देख रही हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं ले लूँगी, और अगर नहीं मिलता है तो भी उसमें से जो मिल रहा है उसमें कुछ ले लूँगी। तो यहाँ बहुत सारा है वैसे, और मैं देख रही हूँ कि मुझे कौन सा पसंद आएगा, तो मैं एक ले लूँगी, एक ही मुझे लेना है। वैसे तो बहुत सारे डिज़ाइन के हैं, बट मेरी पसंद जो होती है ना, मेरी चॉइस जो होती है ना, बहुत यूनिक सा होता है। मुझे बहुत सारी चीज़ों में वो एक चीज़ लेनी होती है जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स होता है, तो उसको ढूंढना, उसको सर्च करना, उसको लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरे लिस्ट के हिसाब से या जो मेरे आईडी के हिसाब से जो कुछ मुझे मिल रहा है वो थोड़ा बहुत मैं ले लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा ग्रोसरी की शॉपिंग करूँगी और खाने पीने की चीज़ें जो भी लेना है लूँगी, और उसके बाद जाएंगे। तो ऑलमोस्ट वैसे भी 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ होते हैं, और अगर शॉपिंग पर आते हैं बच्चों के साथ तो ऑलरेडी लेट हो जाता। वेल, मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना फेस वॉश चेंज करूँगी, तो इसलिए मैंने ये वाला फेस वॉश लिया और एक छोटा सा सॉफ्ट क्रीम बेबी लोग के लिए। और सोच रही थी कि अच्छा से जूस ले लूँ, ये वाला जूस मुझे अच्छा लग रहा था, इसका बॉटल एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये वाला जूस लिया। और ये है साबूदाना, साबूदाना में कुछ मिक्स है तो बहुत अच्छा है, और मैं इसे ट्राई करूँ, क्योंकि मैं इसको पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको मैं ले रही हूँ। और ये बर्गर बनाने के लिए, अहलान अजान के बर्गर बनाने के लिए ले रही हूँ, क्योंकि लोगों का हमेशा क्रेविंग होती है कि हम बर्गर खाना है, वीडियोस वगैरह में देखती है तो बर्गर खाना है, लेकिन उसे एक्चुअली में जब मैं बर्गर बना के कभी देती हूँ ना तो बिल्कुल वो खाना पसंद नहीं करते, तो उसके बाद मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ। और हाँ, एक थोड़ा सा अच्छा टाइम पास हो जाता है चीज़ी बर्गर खाना, तो चीज़ भी ले लिया मैंने और बर्गर के लिए वो भी ले लिया। और दुबई में अक्सर ऐसी चीज़ें, बहुत ऑकवर्ड चीज़ें भी मिल जाती है, मैं देख के हैरान परेशान हो जाती हूँ, यार ये क्या लोग हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हमें तो बाप रे बाप, हमें तो बहुत सिंपल खाने का आदत है तो हम नहीं खा सकते, लेकिन जब मैं लोगों को देखती हूँ ना, आई फील ओ माई गॉड।
नहीं पीने वाला लेना है, अभी तुमको पिलाना है। ये ये है दोस्तों ड्रैगन फ्रूट। नाम जितना खतरनाक उतना ही देखने में खतरनाक, लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी। तुम लोग को जूस पिला रही है। चीयर्स। टूट जाएगा। किसको दोगे? अपनी गर्लफ्रेंड को? किसको देना है फूल? इकरा को। और तुम किसको दोगी? मैं अपने भाई। देखें तो मैंगो पका है कि नहीं, खट्टा है। पका है तो खट्टा। एक सिंगल मैंगो चाहिए तुमको? सो गाइज, यहाँ पे बज रहे थे मेरी घड़ी में 10:30 और मैं सोच रही थी कि 11:30 तक मुझे यहाँ से निकल जाना है। तो रास्ते में मुझे मिला पीच, जो कि मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट था। मैं हमेशा नहीं खा पाती हूँ और जब भी खाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो इतना हाई प्राइस होने के बावजूद भी मैंने एक डब्बा लिया। और कुछ चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए कभी कभी। तो यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि आप प्रोडक्ट में पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है, और ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। फिर भी मैंने एक घी का डब्बा उसमें से चूज करा छोटा सा। चलो जो भी है अच्छा है, अच्छा ही होगा। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं टाइम पे। और शॉपिंग करते करते वैसे भी टाइम का पता नहीं चलता है, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम कॉन्शियस होने की वजह से हम लोग टाइम पे निकल गए थे। तो यहाँ से लेंगे टैक्सी और टैक्सी से जाएंगे सीधा घर। तो मे बी अभी टैक्सी मिल जाएगी क्योंकि उतना लेट हुए नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गई थी टैक्सी और 5 मिनट की दूरी पर था हम लोग का विला। सो हम लोग पहुँच गए जल्दी से और उसके बाद जा रहे रूम पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय। Thank you.